आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। मोबाइल हॉस्पिटल एंड मोबाइल हॉस्पिटल। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। आज सन्मार्ग वाद संवाद की तीसरे संस्करण का आयोजन नीघा के करीब सिटी रेसिडेंसी में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक गुप्ता खास तौर से उपस्थित हुए। सन्मार्ग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुचिका गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संस्करण में विषय का चर्चा था कि पारिवारिक व्यवसाय को युवा से कैसे जोड़ना चाहिए या फिर उससे उन्हें अलग रखना चाहिए। इस कार्यक्रम का संचालन बलवंत सिंह ने किया। वहीं डॉक्टर शशि कुमार शर्मा, राधा भट्टर, आनंद कुल्थिया, अरिहंत बैद, डॉक्टर तारा दुग्गड़, आयु सारदा वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। युवा है आप, हमारा एज ग्रुप मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि अपनी बातों को रखेंगे और निश्चित है कि अपनी बातों के द्वारा आज वह जरूर प्रूफ करेंगे कि हमें आपको क्या करना है। तो मंच पर जोरदार तालियों के साथ आनंद कुल्थिया जी का स्वागत कीजिए। घर में जरूर डिस्कस किया जाता है, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, हमारी जो यंग जनरेशन है, हम सभी चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो और इसी उनके लाइफ को सक्सेसफुल बनाने, उनको उन्नति के शिखर पर लाने के लिए हम सभी ये कोशिश करते हैं कि हमें शुरुआत से ही उनको एक अच्छी शिक्षा मिले। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको बेस्ट ऑफ द स्कूल में एडमिशन करें, क्योंकि शिक्षा हमारी कैपेबिलिटी से जितनी बेस्ट हो सकती है उनको वो सुविधाएँ प्रोवाइड कराएँ। इसके पीछे हमारी एक ही मंशा होती है कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो यंग जनरेशन है उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। शायद ये हमारा फर्ज है जो हम बहुत अच्छे से बखूबी से करते हैं और करना चाहिए, शिक्षा देने के लिए अपना भरपूर प्रयास करते हैं। बट ये जो पुरानी एक व्यवस्था चली आई है कि बच्चों को शुरुआत से ही बोला जाता था कि आपके पास आपका एक फैमिली बिजनेस है, आप पढ़ो लिखो और आके अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो। ये आज के बहुत साल पहले बहुत कॉमन चीज़ थी और लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से फैमिली में अपने बच्चों को समझाते थे और बच्चे भी बहुत हंसी खुशी उस बिजनेस को ज्वाइन करते थे। बट समय चेंज हो चुका है, आज हम ओपन से पढ़ते हैं, अपना करियर बनाने का उनको पूरा हक है। हाँ, अब आपके पास एक बहुत एस्टेब्लिश बिजनेस है तो कोई भी माँ बाप चाहेंगे कि नहीं भैया हमारे बिजनेस बहुत बड़ा है और हमें आपको बिजनेस आके ज्वाइन करना चाहिए, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। अगर आपको बच्चों को एक बच्चों को यदि मौका मिले तो उन्हें ऊंचा उड़ने ऊंची उड़ान भर, क्या ये इस ऊंची उड़ान को अरिहंत बैठ जी मान पाएंगे? वो किस तरह की उड़ान है? क्योंकि दोनों समय से एक ने कहा कि ऊंची उड़ान संवेदनशील विषय है लेकिन ऊंची उड़ान है तो मौका दो। चलिए बुलाते हैं अरिहंत बैल जी जो प्रबंध निदेशक हैं जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड के और जिनके अब स्वागत आप जोरदार तालियों के साथ आसनसोल में। क्या तालियों की कमी अगर आप देखेंगे तो शायद हम स्वस्थ भी कराने चाह रहे हैं। रुचिका जी मंच बैल जी आपका। धन्यवाद सिंह जी, सदन में उपस्थित सभी अतिथि। डिस्कशन आज हमारे सामने है उसके लिए मैं कुछ बेस लाइन रियालिटीज मेंशन करूंगा और क्योंकि मैं साइंटिफिक फील्ड में काम करता हूं, मैं साइंस एंड डेटा में बहुत बिलीव करता हूं, तो मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा, डिसीजन आपका होगा। तो बेस लाइन रियालिटी ये है कि आज इंडिया जैसी इकोनॉमी में बहुत लोगों के पास में बहुत कम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है जो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रिविलेज है कि उनको एक ऐसा मौका मिले कि अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर पाए और उसके ऊपर भी एक चैलेंज है जो उनको ज्वाइन करके उसमें पॉजिटिवली स्केल करना है। उसको सबके पास ये नहीं होगा तो ये अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
इसके बाद मैं कुछ डेटा एंड साइंस की आपके बात करूंगा। ये जो कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूँ जो ग्लोबल स्टडीज में काफी प्रोमिनेंट अथॉरिटीज ने की है। नंबर वन, 70% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जनरेशन फैमिली और बिजनेस ने किया है वर्ल्ड वाइड। दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का डेटा है। सम ऑफ द कंपनीज जो फैमिली ओन के एग्जांपल्स हैं जैसे लार्ज कॉर्पोरेट्स, वोक्सवैगन, वॉलमार्ट, फोर्ड, कारगिल, टाटा सन्स, रिलायंस, अदानी एंड मेनी मोर। रिफाइनिंग आगे, इंडिया की टॉप 15 कंपनीज में से 11 फैमिली ओन्ड है जो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आज रन कर रही है। ये फोर्ब्स का डेटा है। चर्चाएं बहुत चल रही है, आगे बढ़ाते हैं। श्री विवेक गुप्ता जी, रुचिका गुप्ता जी तथा सम्मान की पूरी टीम को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इतना उम्दा विषय चुनने के लिए बधाई और मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने का सु अवसर देने के लिए धन्यवाद। श्री बाबा हृदय से स्वागत करते हुए अपना पक्ष, सपनों की उड़ान अपने विचारों द्वारा आपके सामने रखना चाहूंगी। पारंपरिक व्यवसाय से विमुख होता युवा, आज के बदलते समय अनुसार यह कहना ठीक नहीं होगा युवा के सपनों की उड़ान। सच पूछो तो वो सपने हमने ही देखे हैं और उन्हें दिखाए हैं। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के तहत उन्हें ढालते हैं और पालते हैं। समय परिवर्तनशील है, यह स्थिर नहीं रहता। पहले परिवार का एक सदस्य एक व्यापार से पूरा परिवार चला लेता था, लेकिन परिवार की जरूरतें बहुत कम थी। बदलती जीवन शैली में यह संभव नहीं है। और जब हम पैदा करते थे तो तीन कोर फील्ड हुआ करते थे। मुझे हो सकता है एक दो मिनट ज्यादा लगे क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग जो बोल रहे थे वो अपने सारे पॉइंट कवर भी नहीं कर पाए, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। हमारे समय तीन कोर फील्ड हुआ करते थे। आर्ट्स पढ़ लिया तो सिविल सर्विसेज कर ली या टीचर बन गए, कॉमर्स पढ़ लिया तो सीए या बिजनेसमैन बन गए, और साइंस पढ़ लिया तो इंजीनियर और डॉक्टर बन गए। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो गणित सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने माध्यमिक परीक्षा दी थी, उस वक्त ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आते थे। जिस दिन रिजल्ट था मेरे बगल में एक लड़का रहता था, उन्होंने से रोल नंबर मांगने आया कि रिजल्ट आ गया रोल नंबर दो, और मैंने सारे क्योंकि हम 5-40 पढ़ ली थी कि रोल नंबर दूँ और रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, क्योंकि गणित मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और किसी तरह जब रिजल्ट आया तो 32 नंबर से मैं पास हुई थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी, मुझे पढ़ना था। उस वक्त सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं था और वो 40 मैं आज तक पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने वो संकल्प भी ले लिया था साथ साथ करके। दो लाइनें हैं शायद बच्चन जी की है जो शुरू कर रही हूँ, दो लाइनें मैंने लिखी है, शायद आपको पसंद आए। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। लक्ष्य अपने पाले जाकर अपनी तरफ कमान कर दे, बढ़ा कदम सपनों की नई उड़ान भर दे, बढ़ा कदम सपनों की नई उड़ान भर दे। थैंक यू सो मच। हमें भी बात करनी है शहर में उन्हें जंगल की, समझ ले हम हमारा सोचना ही सांस लेना है, अंधेरे में जो है उनको उजाला सौंप देना है। ये उजाला सौंपने की कवायद में हम सब जुटे हैं कि हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी क्या करे कैसे करे। बंधु दुनिया करवट ले रही है, मेरा मानना है कि उसमें अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को तकनीकी प्रगति के अलावा सामाजिक संरचना और उसमें अपने कामों के बारे में जरूरी हस्तक्षेप करना होगा। सचमुच हर इंसान में उनके पूर्वजों के कुछ आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त इन आनुवांशिक गुणों के साथ अपनी उच्च शिक्षा और तकनीक को यदि जोड़ दिया जाए तो पारिवारिक व्यवसाय में भी चार चांद लग सकते हैं। जैसे हमारे मेरी पूर्व वक्ता ने कहा कि सपनों की नई उड़ान, मैं अवश्य ये कहूंगी कि सपनों की नई उड़ान तो होनी ही चाहिए, पर सपनों की नई उड़ान सिर्फ जॉब हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं। और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि आज का 100% युवा अपने पारिवारिक व्यवसाय से विमुख हो रहा है।
हाँ ये जरूर है, एक जनरल ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई बड़े से बड़ा प्रॉफिट, बड़े से बड़ा पैकेज, अच्छी से अच्छी जॉब, इसके जॉब उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छी सुख सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन अंत में उनका जीवन बिल्कुल नीरस मशीन के पुर्जे की तरह बेजान हो जाता है। वो अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ समय नहीं बिता सकते। मैं तो यही कहूंगी कि जिन युवाओं को अपने सपनों की नई उड़ान भरनी हो, वे अपनी प्रतिभा को अपने देश में अपने व्यवसाय में निवेश करके प्रतिभा के पलायन को रोक सकते हैं, देश की जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, रोजगार के अवसर बना करके जो युवा शक्ति भटक रही है उसे भटकने से रोक सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो ये सपनों की आग, सपनों की उड़ान सबसे ऊंची उड़ान होती है, जिसे देखने का अधिकार हम सभी को है। कहते हैं कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सह जाना, सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी नजरों में रुकी होती है। तो सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो मित्रों, हम लोग जो युवा वर्ग सपनों की ऊंची उड़ान, मन में जो आशा, जो इच्छा, जो आकांक्षा आकांक्षा लिए उड़ रहे हैं, उसके पीछे अगर जो मानवता का मुकम्मल दस्तावेज है जिसे हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं, उसकी जो भूमिका है इस उड़ान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम ने कहा कि रोजगार करने वाला नहीं, रोजगार देने वाला चाहिए, क्या खूब कहा, लेकिन मेरा मानना है कि रोजगार की अपेक्षा आनंद, आनंद देने वाला चाहिए, क्योंकि बहुतों के पास बहुत कुछ रहता है। हम लोग इस चकाचौंध भरे 3-स्टार 4-स्टार होटल में रह सकते हैं, लखपति हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर आनंद ना हो, शांति ना हो, तो सब व्यर्थ है। तो लोहार लोहे का काम करेगा, बढ़ई लकड़ी का काम करेगा, ग्वाला दूध का काम करेगा, गो पालन का काम करेगा, लेकिन अगर आप कॉन्टेम्पोररी टाइम, समकालीन समय की बात करें, तो अगर राजनीति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें, तो हम लोग देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में यादव जी, लालू यादव जी ने एक मुकाम हासिल की, एक इतिहास बनाया। उन्हीं का सुपुत्र, वो चाहता तो अपने पारंपरिक व्यवसाय में लौट सकता था, क्रिकेटर भी बनना चाहता था, लेकिन नहीं, पुनः उसने राजनीति में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई। साथ ही साथ हम लोग अगर अखिलेश की बात करें, ये तो होगी राजनीति की बात, और अगर हम लोग एक क्षेत्र से और एक ज्वलंत उदाहरण लें, आपकी युवा नेता में दम नहीं है, जो उत्साह में कोई कम नहीं है। करेक्शन में करूंगा, करेक्शन है, चूंकि मैं उस फील्ड से जुड़ा हूँ, लालू जी के बेटे को जैसे आपने बनना चाहता था, नहीं बन पाया, क्रिकेटर बनना चाहते थे वो, पर क्रिकेट के फील्ड में वो उस मुकाम नहीं पहुंच पाए, रणजी ट्रॉफी के बाद आगे तो सफर नहीं हो पाया। लेकिन सही बात है, आपने कहा कि सपनों को मरने नहीं देंगे, और मनोज मुंशी से लेकर विभिन्न एग्जाम्पलों ने दिया, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद जो वक्त आ रहे हैं वो हमारे छात्र भी रह चुके हैं, इसलिए उनके बोलने से पहले मैं सबसे पहले मेरे पापा के पियोन ने उनसे आके कहा कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य अब साकार है, क्योंकि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पारंपरिक व्यवसाय, आज हम जब पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए हैं, हम समझते नहीं है कि आज इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, द हाउस ऑफ टाटा। कहते हैं कि हाउस ऑफ टाटा से भगवान का आशीर्वाद है, जमशेद जी टाटा और श्री रतन टाटा। आज टाटा मेडिकल बॉम्बे में हर गरीब बच्चे को कैंसर के लिए फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है। इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलके वो आज देश के हर बड़े शहर में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। आप आज मुझे बताइए, देश का सबसे पहला स्टील प्लांट, पहला होटल, पहला 5-स्टार होटल, पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पहली सॉफ्टवेयर कंपनी आज किसने बनाया है?
आज टाटा ने बनाया है, आज उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति आज एनजीओ के नाम कर दी है, तो आज इससे बड़ा एक इंसान का लक्ष्य क्या हो सकता है कि वो अपने साथ मिलकर समाज के लिए भी धन बना रहा है। यहाँ पहले से उन्होंने मुझे कार्यक्रम की सूचना दी थी और थोड़ा बताया भी था कि किस तरह से इसको क्या टॉपिक क्या है इसका, इस प्रोग्राम का अनुष्ठान का, और किस तरह से इसमें बात संवाद का कार्यक्रम वो करने वाले हैं। तो मैं बहुत उत्साहित था कि आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले पाऊंगा और आज आ भी पाया हूँ यहाँ पर, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा और सम्मान परिवार है उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, अनुष्ठान के लिए आसनसोल दुर्गापुर का जगह को चिन्हित किया और यहाँ पर दूसरी बार आईटीजी प्रोग्राम हो रहा है। पहला प्रोग्राम हमने दुर्गापुर में किया था जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, उसका विषय था भारत वर्सेस इंडिया। बहुत ही सुंदर स्वस्थ डिबेट वो ये वाद संवाद उस दिन हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वह जाकर। तो इस बार मैंने निश्चय किया था इस बार भी मैं जरूर इस प्रोग्राम में समय निकालकर अवश्य जाऊंगा। नई उड़ान थी। हेलो, आज का जो विषय है उससे आइडियल एग्जाम्पल आपकी स्टेज पे ही है, आयु सागर। नई जनरेशन, नई पीढ़ी, नई उम्र और एक बिजनेस साथ साथ वो समाज सेवा भी कराते हैं, एक उम्मीद पैकेट, एक पैकेट उम्मीद। तो ये आइडियल एग्जाम्पल आज से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग पुराने जमाने में पहले मोदी खाना बिजनेस करते थे जहाँ पर सब कुछ मिलता था, वहाँ हम हमारे पिताजी हमारे लड़के वगैरह सब कुछ चलते थे। आज वही मोदी खाना बिग बाजार या वॉलमार्ट का रूप ले लिया है, वहाँ पर वही लड़का सैलरी में टाई लगा के जॉब करता है। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, जो हम लोग खुद अपना मोदी खाना जहाँ पर कपड़ा जूता चप्पल से इंडस्ट्री सामान से सुई सुता धागा बिस्कुट चम्मच सब कुछ मिलता था जो बिग बाजार में मिल रहा था, पहले अपना बिजनेस चलाते थे, अब वही लड़का MBA करके वहां पर टाई लगा के जॉब यस सर करता, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मोदी खाने में अब जाता कौन है आजकल बिग बाजार में, क्योंकि सामने आप जब मोदी खाना जाते थे हम सभी जाते थे, पहले हम जाते थे आटा बेसन कुछ भी लेने के लिए, तो आटा बेसन लेके लौट आते थे, हमको चार जरूरत की चीजें हो सकता है और भी तो याद नहीं आती क्योंकि सामने दिखती नहीं थी। तो अभी सेम मोदी खाना अगर थोड़े बड़े रूप में आया है और हम उसे देख कर सामान चार एक्स्ट्रा ला सकते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है कि ये वॉलमार्ट या बिग बाजार आ गया। हाँ, ये भारत का एक रूप हो सकता था कि हम उस मोदी खाने को उसी मतलब उसी बिजनेस को हम थोड़े नए तरीके से करते थे तो मोदी खाना भी चलता, लेकिन ध्यान से सुनिएगा ये खास करके आसनसोल वासियों यहाँ के, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, रास्ते में चलते बहुत से लोग मिलते हैं, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आसनसोल वालों की तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आसनसोल वालों की तरह अनमोल नहीं होता। सन्मार्ग वाद संवाद की जो ये तीसरी संस्करण है इसका विषय का चर्चा था कि पारिवारिक व्यवसाय को हमें युवा से कैसे जोड़ना चाहिए, उसे उससे अलग रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी वक्ता थे और हमारे जो संचालक थे उन्होंने बहुत खूबी से बखूबी से समा को बांधा है और मुझे यही आशा है कि हमारे जितने भी श्रोतागण थे वो कुछ ना कुछ इस कार्यक्रम से ज़रूर लेके जाए, अपने घर के डिनर टेबल पे इस बात की चर्चा करे और सचमुच अगली पीढ़ी को वो एक योगदान दे और उनका
उनको गाइडेंस दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैं रुचिका गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सनमार्ग।